तो मैं ऑलमोस्ट एंटर हो चुका हूँ उस एरिया में जहाँ मुझे जाना है। और ये मैन मेड बना रखा है, यू कैन से इट इज़ अ ग्रीन बेल्ट पार्क बना रखा है। और मैं इधर से जाने के लिए इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, सामने दिख रहा होगा आपको। सो यस, ये एंकोर पार्क ब्रिज है, छोटा सा। कंधों में मेरे दर्द हो गया, ये हल्का सा बैग भी टांगे हुए, वाह इतना देर से जो टांगे हुए हैं। ये यहाँ से पानी निकल रहा है पूरा और वो जा रहा है। उधर का पूरा एरिया जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर भी एक पूरी सिटी डेवलप की जा रही है और एक ऑलरेडी डेवलप ने कर दिया है। सो मैं वही आपको दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आर्टिस्टिक मिलेंगी देखने में। तो ये रहा ब्रिज जो मुझे दिखाना था, बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ से रास्ता दिया हुआ है, कार्स नहीं जा सकती हैं, इट इज़ ओनली फॉर पेडेस्ट्रियंस, जो वॉक करेंगे सिर्फ उनके लिए है। कुछ ऐसी चीज़ें देख के ना मुझे बहुत अंदर तो खुशी मिलती है। एक तो भाई हम लोग के लिए ये हो जाता है कि हाँ चलो बाहर, अगर आप घर में बोर हो रहे हो या फिर अकेले रहते हो, कहीं जॉब करते हो, तो ये होता है कि हाँ कहीं घूमने के लिए बैठने के लिए कुछ जगह रहती है, आप बैठ सकते हो, तो वो अच्छा लगता है। प्रॉपर जैसे हम लोग रोड में नहीं होते, जैसे सर्कल बना के ये नीचे से निकालने के लिए भी दे दिया रास्ता। और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, टाइल्स बिछ रही हैं इसमें, देखो सामने काम चल रहा है। एक साइड तो काम कंप्लीट हो चुका है, इधर हो रहा है काम। बट वही है ना, नाइट में भाई शहर कुछ अलग ही दिखता है और डे के टाइम पे शहर आपको कुछ और ही दिखेगा। तो कुछ ऐसा छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है पेडेस्ट्रियन के लिए, ये एंट्री के लिए भी यहाँ पे लगा रखा है। गार्ड्स वगैरह कुछ है नहीं, वो उधर अंदर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आपके एक ऑब्जर्वेशन व्हील भी है, सामने आपको दिख रहा है, जिसे एंकर स्टार व्हील बोलते हैं, दी एंकोर स्टार व्हील। देख लो भाई, अभी ये पूरा अंडर डेवलप्ड है, एक साइड का इन्होंने पूरा डेवलप किया है और एक साइड का डेवलपमेंट बचा हुआ है। सो काम तो चल ही रहा है, डेवलपमेंट का लोग कर रहे हैं, देखते हैं। हेलो, दो लोग मिल गए थे बट वही कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं सब के सब, बट वो लड़के जो कल मिले थे तो वो सामने आ गए थे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सबसे पहले जब आप एंटर होगे ना, इंडिया और नमस्ते ही बोलेंगे, बिकॉज इन सेंट्रल एशिया में जितने भी हैं ना, मोस्टली अपने जितने भी दोस्त यूट्यूबर्स लोग थे ना, वो सिर्फ हिंदू थे, सो दे केम हेयर, और मुस्लिम बहुत कम आते हैं यहाँ पे, मींस एज अ यूट्यूबर और द ट्रैवलर बहुत कम लोग थे यहाँ पे। तो जब भी इनको बोलो मुस्लिम है तो और भी खुश आते हैं। ऑब्वियस है भाई, आप अपने घर में जाओगे तो आपका घर परिवार वाले आपको देख के खुश होते ही हैं, सो कुछ उसी तरीके से है। बट ये नहीं है कि अगर आप हिंदू हो तो आपको भगा देंगे या फिर गाली देंगे, नहीं, उतना ही प्यार देते हैं जितना हमें मिलता है। और वो ज़्यादा एक्साइट, मेरे हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, उन्हें ये नहीं दिखता है कि इंडिया से मुस्लिम आ रहा कौन आ रहा है, उन्हें यही मालूम है एक तो हिंदुज़म है सो हिंदू ही है, इसलिए वो हमेशा नमस्ते ही बोलते हैं, वो सलाम नहीं बोलते हैं मोस्टली, आप कभी चेक करना। मोस्ट जो मेरे साथ में हुआ, मैंने जो देखा, मैं वो बोल रहा हूँ, और भी बहुत से लोग हैं जिनको सलाम भी बोला जाता है, मैंने उनके भी यूट्यूब वीडियोज़ देखे हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ यू इंटरेक्ट द पीपल, दे विल स्टार्ट विद नमस्ते। एंड ये है पार्क, ये छोटे छोटे पता नहीं अंदर क्या बना रखे हैं, टॉयलेट है लेकिन बंद है, नहीं कर सकते यहाँ पे, पता नहीं क्या कुछ खा पी रहा हूँ मैं, हैवी सा मीट वगैरह तो समझ में नहीं आ रहा है, पेट गड़बड़ सा हो जा रहा है। नॉर्मल है बट इतना मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। से दूसरी स्ट्रीट ये रही, देख लो हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं भैया मॉनिटरिंग के लिए। ये स्टोर वैसे ही कल्चर जो पूरा बना रखा है, देखो एक किला काइंड ऑफ बना रखा है, हर जगह पे वही रेस्टोरेंट्स वगैरह बना रखे हैं। और ये सेंटर में निकलने का फिर से रास्ता, बट वॉशरूम बंद कर रखा है, बताओ किसी को करना होगा भाई, कोई इतनी दूर से आएगा तो कहाँ जाएगा वॉशरूम के लिए, बताइए भाई, गलत बात है ना। मैं तो कंट्रोल कर सकता हूँ बट दूसरों का पता नहीं, जिसकी मजबूरी होगी वो क्या करेगा, वो जाएगा फिर शॉप में, सीधे बोलेगा आए मुझे बाथरूम यूज़ करना है। ऐसे पार्क वगैरह में या फिर ओपन सराउंडिंग में म्यूज़िक बजता रहता है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई,
मैं सोच रहा हूँ रशियन थोड़ा सा ना लिखना सीख लूँ, क्योंकि लिखना मेरे को बहुत ईजी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू बोलना। क्योंकि जब से मैंने सेंट्रल एशिया में घूमना शुरू किया है थोड़ा बहुत, और जब मेरा मन था रशिया में जाने का, तो मैंने ना थोड़ी बहुत रशियन सीख मतलब स्टार्टिंग में बोलना सीखा था हल्का फुल्का, सो बेसिक कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद अभी यहाँ पे हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई हैं कि रशियन में कौन से वर्ड्स क्या हैं, क्यों हैं। सो मैं लिख तो ज़रूर सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, और पढ़ भी लेता हूँ, बट बोलने में ना फिर वही होगा, बोलना सीख आना चाहिए, बोलेंगे देखते कैसे बोलना है। अगेन यहाँ पे कोका कोला की ब्रांडिंग हो रखी है, जैसे वहाँ पे पिछली बार जो मैंने दिखाया था आपको पूरी पेप्सी की ब्रांडिंग हो रखी थी। दिस इज द सेटअप, यू कैन सी लाइट्स। दो जगह पे इन्वेस्टमेंट बहुत हो रखा है, कोका कोला का और पेप्सी का। देख रहा हूँ यार कौन खाऊं, क्या मन कर रहा है कौन खाने का। हेलो स्कूल का 15,000, कोई नहीं खा लेता हूँ जैसा भी है बना कर, देखते हैं कैसा लगता है कैसा नहीं है, इंडियन की तरह है कि नहीं है, तो टेस्ट पहले करूँगा कैसा कैसा नहीं है, फिर देखेंगे आगे। जो भी पैसा है भैया खर्च कर देना है, क्योंकि अलमाटी में जाने के लिए मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है टैक्सी वगैरह लास्ट में यूज़ करने के लिए, अदरवाइज़ मेट्रो तो है ही है नियर बाई एरिया में पहुँचने के लिए या मेट्रो तक जाने के लिए, सो मुझे अब पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो अगेन भाई वही बच्चों का सारा कुछ दिया हुआ खेलने के लिए चारों तरफ से, और सेंटर में यहाँ पे कोका कोला की ब्रांडिंग, और एक ये शेप रखी हुई है, अच्छी लग रही है वैसे देखने में। 20,000 सोम का यहाँ पे भी ना जगह जगह पे मिनिएचर्स क्रिएट कर रखे हैं। सो सामने दिख रहा है ये टेलीविजन टावर है यहाँ का, वीरान बंजर सा बना हुआ है पूरा। देखो 5 बजने वाला है, अब लाइट्स धीरे धीरे जलना शुरू हो गई हर जगह पे, ऐसा लग रहा है जैसे घोस्ट सिटी बना रखी है जगह जगह पे, सब छोड़ छाड़ के शहर चले गए, क्योंकि ऐसा लग ही रहा है ना आपको कि यहाँ पे मतलब सब कुछ बसा हुआ है और कोई है ही नहीं, पूरा सन्नाटा हो रखा है, कुछ भी नहीं एकदम बंद हो रखा है। ये मिनिएचर है, वो मिनिएचर बना रखा है, ये बना रखा है, उधर है एक, उधर है आपका फाउंटेन्स वगैरह है, लाइट्स लगा रखी हैं, अभी ये स्टार्टिंग यही हुई है लाइट्स की, और यहाँ से जाते जाते वक्त मैं आपको बहुत कुछ दिखाता जाऊँगा स्पेशली लाइट्स को लेके। ये दो और मिनिएचर है, एक ही छोटा सा है और एक सामने है, क्लॉक टावर बना हुआ है भाई। लाइट्स धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं जलना हर जगह पे, 6 बजे तक ऑलमोस्ट हर जगह लाइट्स ऑन हो जाएंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर अंधेरा हो चुका होगा। देखो बोगजाल ट्रेन स्टेशन, चलता हूँ यहाँ से बाहर निकलता हूँ, क्योंकि अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, ये लाइट्स भी शुरू नहीं हुई अभी तक की, पता नहीं कब तक होंगी। तो मुझे कुछ दिखा कार्स एनिमेटेड जो मूवी है उसका फेवरेट कैरेक्टर, दिस इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर आई हैव यू नो सीन इन द होल सीरीज ऑफ कार्स। यस अच्छी लग रही है, अब निकलते हैं। देखो लाइट्स शुरू हो चुकी हैं, सारे झूले वूले जो हैं वो शुरू हो गए, और यहाँ पे लोगों की आबादी भी बढ़ने लगी है, अब थोड़े से इकट्ठा हो रहा है, बट ये मेनली बच्चों के लिए यार, पूरा छोटे किड्स के लिए है। और ये शॉप्स भी हैं थोड़े बहुत खुल रही हैं, और ऑलरेडी कुछ खुली हुई हैं, एक बड़ा सा यहाँ पर बेयर बना रखा है, आई थिंक कॉटन से ऊपर वो कर रखी है भाई। कुछ लोग यहाँ पर फोटोग्राफ खींचने के लिए खड़े रहते हैं, लिटरली बता रहे यार, जो फ़ोटो ये लोग खींच देते हैं ना DSLR से, एक नंबर फ़ोटो लगती है भाई। स्ट्रीट्स पे फ़ोटो क्या ही, मतलब इतना मैं पछताता हूँ, इतनी जगह अभी तक मैंने घूम लिया है बट ढंग की फ़ोटोज़ नहीं मिल पाती हैं, बिकॉज कोई खींचने वाला है ही नहीं, बस ब्लॉग बनाते रहो बस, हो कुछ नहीं खुद से कुछ फ़ोटोज़ खींच ली तो ठीक, नहीं तो फिर चलते रहो ऐसे ही ब्लॉग बनाओ, बस ब्लॉग ही काफ़ी है। निकलते हैं बाहर, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई लोग मुझे टॉयलेट तो मिल गया था, छोटे से एक मॉल में आया था, बहुत ही छोटा है, गुस्से ही ख़त्म है, तो बस यहाँ से एग्ज़िट ले रहा हूँ पास होते हुए, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये सब बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ पर भी सारा कुछ बना हुआ है, बाहर ही जाना है सीधे सीधे। ऊपर जिम है, और ये 9D VR का है। सो भैया फाइनली बस मुझे फ़्रेश होना था, मैंने फ़्रेश ये हो गया, सबसे सही ऑप्शन होता है भाई मॉल्स में चले जाओ, पब्लिक टॉयलेट से बेटर। तो निकलते हैं बाहर यहाँ से, देख लो थोड़ा बहुत ऊपर भी इन्होंने अच्छा खासा बना रखा है। निकलते हैं फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे, नहीं तो चलते हैं सीधे हॉस्टल पे, वहीं पे आराम करेंगे। सो प्रॉपर शाम हो चुकी है यहाँ पे, देखो हर जगह पर लाइट शुरू हो चुकी हैं, और ये व्हील पूरे व्हील पर भाई लाइट लगा रखी है, सोच
मतलब सेंट्रल एशिया की बात ये एक बहुत अच्छी है। मैं अभी तक जहाँ पे गया हूँ ना, इतनी ज़्यादा लाइटनिंग होती है, इतनी ज़्यादा लाइट्स हैं, स्ट्रीट्स को खास कर सजा रखा है। देखो पूरे सामने हर एक चीज़ की लाइट्स जला दी गई हैं, कुछ देखो ऐसा दिखता है। और ये अभी लैंप्स को नहीं जलाया गया है, ये बंद है। ये भी अच्छा लगेगा जल लेंगे तो। व्हील अच्छी लग रही है, व्हील के पास ही निकल रहा हूँ, दिखाऊंगा पास से हाउ इट लुक्स। तो कुछ भाई ऐसा दिख रहा है व्हील, देख लो। नाइट में हर जगह पे लाइट्स ओपन हो गई है और कुछ ऐसा दिखता है, देख लो। अब ये कलर कॉम्बिनेशन, ये जो अभी स्टाइल चल रहा है ये अच्छा लग रहा है, वाइट कलर। और ये जितने मिनिएचर बने थे इन पे तो कोई लाइट ही नहीं है, सब बंद कर रखा है इन लोगों ने एकदम। बताओ यार, ये तो खूबसूरत बनाया था इन लोगों ने। वो सामने जो लाइट्स चल रही है वो बच्चों के लिए पूरा किड्स एरिया है। नाइट में सारी सेंट्रल एशियन की जितनी भी सिटीज़ है ना जो डेवलप है खासकर, वो बहुत हैपनिंग रहती हैं। और शाम को ही लोग ज़्यादातर निकलते भी हैं यहाँ पे, मिड नाइट 2-3 बजे तक आराम से घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि रातें होती हैं लंबी और दिन छोटा होता है। 5-6 बजे अच्छे करते हैं यहाँ पर शाम हो जाती है। चलता हूँ निकलता हूँ। मैंने यार ऑलमोस्ट हर एक चीज़ घूम तो लिया इसके आसपास का, अब मैं कहीं जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है टाइम काटने के लिए, नहीं तो हॉस्टल ही जाके बैठना पड़ेगा मुझे तो ये लग रहा है। सो ये जो मॉर्निंग मैंने ब्रिज दिखाया था इसके भी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, देखो सब में कहा था ना लाइट लगी हुई हैं, तो कुछ ऐसा दिखता है ब्रिज। और पानी पे भी रोशनी पड़ रही है तो खूबसूरत लग रहा है भाई। थोड़ा बहुत तो ये रोमांटिक, मतलब पूरा रोमांटिक सा बना हुआ है यार भाई। जब आप बाहर निकलोगे ना तो समझ में आएगा फीलिंग्स। ये रोमांटिक वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब हाँ सिटी कितनी खूबसूरत बना रखी है लोगों ने अपने अपने देश में। साफ़ सफाई तो अलग है ही है। और वो सामने जो दिख रहा है आपको टावर दिख रहा है, टेलीविज़न टावर चमकता हुआ देख रहे हो, मस्त। और ये रे लाइट्स लगी हुई हैं, सभी लोग घूम रहे हैं भाई, अपना अपना घूमने के लिए बना रखा है। अच्छा है, हमें चलना है वापस घर, निकलना है, चलते हैं घर। उधर से इस बार क्रॉस करेंगे, बट कैसे करेंगे उसका रास्ता तो दिया ही नहीं है, बंद है। ये भाई देखो यहाँ लड़की अकेले घूम रही है रात में, मतलब सब कुछ कितना सही है। और ये ब्रिज के नीचे बना रखा है, प्ले एरिया है, क्रॉस करने के लिए तो बंद कर रखा है उधर, उस साइड जाने के लिए कैफे शेफे बना रखे हैं। ये एक्चुअली मैं जब एंटर करा था ना तो मुझे दिखा था, अच्छा लग रहा था। फ़िलहाल तो ये एंट्री यहाँ से बंद कर रखी है। चलते हैं उसी रास्ते से वापस जा रहा हूँ जिस रास्ते से मैं आया था। सो ब्रिज के नीचे ही पूरा कैफे सफ़े बना रखा है भाई लोगों ने, इधर का भी वैसे ही है। देख रहे हो कितना सुनसान है, अंधेरा, बट सेफ है प्रॉपर। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़ की, लोग अकेले अकेले घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई सब ग्रुप में घूम रहे हैं, नॉर्मल। चलते हैं क्रॉस करते हैं उस साइड पे, फिर मिलते हैं आपसे।